जय राम जी की दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी बड़ों के चरणों में प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मैं फिर एक बहुत ही जरूरी विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आज का विषय है अमावस्या। अमावस्या का विषय मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ज़्यादातर जातक फ़ोन कर पूछते हैं कि आज कौन सी अमावस्या है या अमावस्या कब पड़ेगी, तो उनकी इस चिंता को दूर करने के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। अमावस्या पर पितरों से संबंधित कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में भी समय मिलेगा तो मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि पितृ दोष क्या होते हैं कुंडली में और पितृ दोष या पितरों के निवारण के लिए किस प्रकार के कार्य आपको करने चाहिए, किस प्रकार के उपाय आपको करने चाहिए, उसके बारे में समय रहते एक दिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आज बात करते हैं अमावस्या की कि अमावस्या 2019 में किस किस समय पड़ेगी और कौन कौन सी अमावस्याएँ होती हैं, कौन कौन सी अमावस्याएँ 2019 में आएंगी। सबसे पहले बात करें माह मई की, तो 4 मई को आपकी शनिश्चरी अमावस्या है, 4 मई को। फिर बात करें जून की, तो 3 जून को आपकी सोमवती अमावस्या पड़ती है। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। जुलाई माह में 2 जुलाई को आषाढ़ी अमावस्या पड़ेगी और अगस्त माह में आपकी 2 अमावस्याएं पड़ती हैं। 1 अगस्त को हरियाली अमावस्या है और इसी प्रकार से 30 अगस्त को पिठोरी अमावस्या। पिठोरी अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से सितंबर माह में 28 सितंबर को सर्वपित्र अमावस्या आती है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है और इसी को हम अज्ञात मृत्यु तिथि भी बोलते हैं, जो कि इस बार 28 सितंबर को आपकी है। इसी प्रकार से अक्टूबर माह की अगर बात करें तो 28 अक्टूबर को सोमवती अमावस्या आपकी आएगी फिर से, और नवंबर में 26 नवंबर को फिर से आपकी अमावस्या आ रही है। दिसंबर माह में 26 दिसंबर को आपकी पौष अमावस्या पड़ेगी। अमावस्या पर विशेष रूप से दान पुण्य करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी जरूरी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को दान पुण्य करें, जिससे आपके पितरों को मुक्ति मिले, आपकी उचित कृपा बने आप पर पितरों से संबंधित। इसके उपलक्ष्य में भी एक बहुत अच्छी वीडियो आगे समय पर मिलेगा तो डालेंगे, जो कि बहुत लंबी होगी और समय के अभाव होने के कारण सिर्फ अमावस्या के बारे में ही आपको बता पा रहा हूँ कि आपकी 2019 में अमावस्या कब कब है। समय मिलेगा तो अमावस्या पर मैं पूरा एक प्रोग्राम आपको दूंगा, जिसमें मैं पूरे विस्तृत रूप से अमावस्या के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। अमावस्या पर किया गया दान मनुष्य को सभी कष्टों से जो है दूर करता है, आपके सभी कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है, इसलिए अमावस्या पर दान जरूर करें। अभी फिलहाल इतना ही कहूँगा, इसी के साथ विदा लेता हूँ। जल्द ही एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए जय राम जी की जय श्री राम।